सो हे गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो यामा MT-125 फाइनल फैन गाइस, यामा ने ऑफिशियली लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया। सो गाइस, कब तक लॉन्च होगा वो भी हम लोग बताएंगे, शाम पे बताएंगे ये बाइक के अंदर क्या फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड, सारे कुछ कवर करेंगे आज का वीडियो के अंदर। और यामा ने गाइस ऑफिशियली लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया, तो ऑब्वियसली वीडियो को गाइस लास्ट तक देखो, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा जो गाइस कब तक लॉन्च करेगा वो भी हम लोग बताएंगे। और आप लोग भाई वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे, आप लोग बोलोगे नहीं भाई तुम फेक वीडियो बनाते हो, लॉन्च डेट अपने नहीं बताया। सो गाइस प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं गाइस कंफर्म बताऊंगा जो यामा ने जो यहाँ पे अपडेट दे दिया, मैं सिर्फ वही बताऊंगा, मेरे तरफ से कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। मैं आज बताऊंगा जो यामा ने ऑफिशियली लॉन्च डेट गाइस ये पे कंफर्म कर दिया, वो सबसे पहले दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे यामा ने गाइस ऑफिशियली लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया, तो कब तक ये लॉन्च होगा वो भी हम लोग बताएंगे। ये बाइक के अंदर फीचर्स को लेके बताएंगे, तो सामने यहाँ पे ईडी सस्पेंशन मतलब ऑफसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। और ये बाइक के अंदर कंपनी दे दिया, एक 125 सीसी बाइक होने के बाद भी कंपनी दे दिया डीएल चैनल एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और ये बाइक के अंदर कंपनी बहुत एक अच्छा क्वालिटी का ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया। और सामने का डिस्क मतलब फ्रंट यहाँ पे 290mm और रियर पे 220mm डिस्क साइज देख सकते हो, मतलब ब्रेकिंग कंट्रोल ए ऑन क्वालिटी देखने मिलेगा। और बाइक का फीचर्स को लेकर बताएंगे, तो सामने एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर, लैंप, साइड इंडिकेटर एलईडी, और पीछे का टेलाइट भी एलईडी, सारे कुछ यहाँ पे ए ऑन क्वालिटी देख सकते हो। और यामा का जो इंजन है ना, यामा का इंजन कितना पावरफुल होता है वो तो सारे लोग जानते हैं। अभी हम लोग बताएंगे लॉन्च डेट कब तक होगा, लॉन्च डेट बताएंगे ये वीडियो के अंदर। सबसे पहले बताएंगे 9 अक्टूबर 2024 के अंदर यामा ने ऑफिशियली लॉन्च करेगा यामा ऑन 25 को लेके। गाइस मैंने ऐसे नॉर्मली गाइस गूगल के अंदर सर्च कर लिया, अभी थोड़ा देर पहले सुबह मैंने उठ के ऐसे गाइस नॉर्मल गूगल के अंदर मैंने सर्च किया जो यामा MT-125 लॉन्च कब होगा। बट मैंने जब गूगल के अंदर सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है जो 9 अक्टूबर 2024 के अंदर लॉन्च होगा। सो गाइस मेरे को तो भाई यकीन नहीं हो रहा है जो भाई इतना जल्दी यामा ने लॉन्च कर देगा यामा MT-125। अगर लॉन्च हो जाएगा तो कौन कौन बाइक करोगे वो वीआर कमेंट करके बता देना। और आप लोग एक बार गूगल के अंदर सर्च करके देख के भाई मेरे को कमेंट के अंदर बताओ भाई, ये हमारे पास कोई ग्लिच चल रहा है क्या, सही से यामा ने ऑफिशियली बताया। मेरे को तो भाई यकीन नहीं हो रहा है इतना जल्दी भाई 2024 के अंदर यामा MT-125 वो भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आ रहा है। मेरे को क्या ग्लिच चल रहा है क्या, मेरे को पता नहीं, बट आप लोगों को क्या दिख रहा है वो भी यार कमेंट करके बता देना। और सच में अगर आ जाएगा तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, जिसको इसका एमटी का ड्रीम है वो ए बाइक को ले सकता है, ठीक है। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।